विद्यार्थी परिषद सगड़ा ने अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर शुरू की क्रमिक भूख हड़ताल। भाजपा नेता एसडीएम और प्रिंसिपल से चर्चा करने के बाद बदला निर्णय। विद्यार्थी परिषद की सगड़ा इकाई द्वारा शुक्रवार सायं करीब 6:30 बजे अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी गई है और अब चेन हंगर स्ट्राइक शुरू की गई है। गुरुवार से एबीवीपी द्वारा कॉलेज में खाली पदों को लेकर हड़ताल शुरू की गई थी। अनशन पर बैठे विद्यार्थी परिषद पदाधिकारियों ने बताया कि कॉलेज में जहां नॉन मेडिकल के सभी पद खाली पड़े हैं, वहीं कॉमर्स तथा आर्ट्स के भी काफी पद खाली है। गुरुवार बाद दोपहर 12 बजे से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे महाविद्यालय के छात्रों को अनशन तोड़ने की अपील के लिए यहां शुक्रवार सायं भाजपा नेता बलबीर चौहान तथा एसडीएम सगड़ा डॉक्टर विक्रम नेगी आदि पहुंचे। नेताओं तथा प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शाम करीब 6 बजे जहां विद्यार्थी परिषद द्वारा मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, वहीं बाद में भाजपा नेता बलबीर चौहान, एसडीएम डॉक्टर विक्रम नेगी तथा स्थानीय कार्यवाहक प्राचार्य से चर्चा के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर क्रमिक अनशन का निर्णय लिया गया। एनएसयूआई कैंपस प्रेसिडेंट सुनील तथा मीडिया प्रभारी राजेश्वर ने बताया कि अब 24 घंटे के लिए 3 से 5 छात्र हर रोज बैठेंगे। महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य जगपाल तोमर ने बताया कि क्योंकि कॉलेज में वर्तमान में नॉन मेडिकल का एक भी स्टूडेंट नहीं है, इसलिए यहां पीटीए के माध्यम से उक्त पद फिलहाल नहीं भरे जा रहे हैं। भाजपा नेता बलबीर चौहान ने बताया कि वह सगड़ा कॉलेज में खाली पद भरने के लिए शिक्षा मंत्री से बात कर चुके हैं। संगड़ाह में आज 96 कर्मचारियों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। अब तक कोरोना टीकाकरण ना करवा सके स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रखा गया था मॉपअप सेशन। उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह में मौजूद कोरोना वैक्सीनेशन बूथ पर शुक्रवार को कुल 96 कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। उक्त कर्मचारियों में अब तक कोरोना वैक्सीन ना लगवा पाने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के अलावा अन्य फ्रंटलाइन वर्कर भी शामिल रहे। दरअसल स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज बीमारी अथवा अन्य कारणों से अब तक कोविशील्ड के टीके ना लगवा सके हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए मॉपअप राउंड रखा गया था और इस दौरान अन्य कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी कोविशील्ड के टीके लगे। बीएमओ संगड़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने बताया कि स्वास्थ्यखंड संगड़ा में अब तक कुल 600 के करीब लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है और किसी भी कर्मचारी को इस दवा का रिएक्शन नहीं हुआ। मैं डॉक्टर कृष्णा भटनागर, बीएमओ संगड़ा। आज 12 फरवरी को मैंने अपना कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लगवाया है। अभी तक हमने अपने 600 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया है और 56 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टिल्डेट वैक्सीनेट किया गया है। आज मॉपअप सेशन था फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, जो इन पास किसी कारणवश अपना वैक्सीनेशन नहीं करवा पाए, आज उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वैक्सीनेशन की। मेरा आप सबसे अपील यही रहेगा कि इस वैक्सीनेशन को आप लगवाइए। जैसे जैसे केस में आपके अलॉटमेंट होता है वैक्सीनेशन के लिए, आप ज़रूर इसमें हिस्सा लीजिए। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। धन्यवाद।